तो यारों हुआ यूं था कि मैं कल जोधपुर से घर आ गया था, और घर आने के बाद रात भर एकदम फुल आराम किया, एकदम मस्त तरीके से सो गया। सुबह उठा लगभग 8 बजे के बाद, चाय मिल गई और खेत में घूमा। बहुत अच्छी खासी फसल है, और बारिश की कमी को मद्देनजर रखते हुए थोड़ी बहुत फसल को है ना, वो है मुरझापन। उसके बाद मैं वापस गया, खाना खा के मस्त सो गया। माम मुझको लगा कि अब तो आराम ही आराम है, मजे ही मजे है, कोई काम नहीं करना। लेकिन 2 बजे के बाद जैसे ही मेरी आंख खुली, मुझे प्रताड़ित करना शुरू किया गया। दोस्तों ये मेरे लिए है ना, मैं अब क्या कहूँ, मेरे पास में वो शब्द नहीं है मेरी पीड़ा सुनाने के लिए। लेकिन मैं सहन करता रहा, मैं मना करता रहा। 2 से 3 बजा दिए, 3 से 3:30, फिर 3:45, 3:50, और आखिरकार मुझे घर वालों की आखिरी धमकी आन पड़ी और बोले, जा बकरियों के पीछे। नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। मैं खाने को लेकर थोड़ा तो मुझे बकरियों के पीछे आना पड़ा। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है ना, ये बकरी है ये। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन। और अच्छा लग रहा है यहाँ खेत में आकर और बकरियों के पीछे आकर भी, है ना। तो बचपन की कहानियां है ना, वो इस तरीके की होती रहती थी, और जो जो आज भी होती रहती है, पीछे जाओ बकरियों पीछे जाओ, उधर को चरावो। तो लगभग 5 से 7-8 साल सो साल सो क्या साल तो इसी में ही निकल गए।